रेलवे में सुरक्षा इंतजामों को लेकर जिला पुलिस और रेलवे प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है, जिसका जीता जाता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब बीती रात दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर जयपुर जा रहे एक अमरीकी नागरिक को उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे दो अज्ञात बदमाशों ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर जयपुर बताकर रेवाड़ी में ही उतार लिया और स्टेशन के मुख्य द्वार पर लूट के इरादे से उस पर लोहे की राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल शख्स की चीख पुकार सुनकर बीच बचाव किया और उसे बेहोशी की हालत में रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां आज उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर भेज दिया गया। पुलिस ने भी घायल विदेशी से कार्रवाई के नाम पर एक असाधारण दरखास्त लिखवा कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो सुरक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जयपुर जा रही थी, जयपुर से ट्रेन चढ़ करके किसी ने कह दिया कि ये जयपुर आ गया, ये स्टेशन से बाहर निकली है, तो PCR ने उनको एडमिट किया, उनका आपस में चुकू में होगी, इसके सिर पे चोट लगी। ये अब कोई कार्रवाई की साहब से नौरी अपने घर जाना चाहते हैं, किसी खराब में स्टेशन से चीज को पता नहीं था, जैसे मान लें ये जयपुर आ गया, जयपुर की वजह से तो ये वापिस मिसगाइड के ट्रेन से उतार लिया और बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद जैसे वो तो रेलवे रोड पर इनके अगर ये घटना अब बच्चे लोटर दिखाए या ठहरेंगे वैसे, तो ये यंग लड़के थे, इन्होंने भी आपस में उनकी पिटाई के लिए वैसे ये जानते हैं नहीं किसी के खिलाफ नहीं, भाई मैं वापिस जयपुर करना चाहता हूँ। ठीक है, रेवाड़ी से अजा TV न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।